नमस्कार, मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव और स्वागत है आपका अपने चैनल न्यूज 81 एंटरटेनमेंट में। आइए रुक करते हैं हमारी संवाददाता की खास रिपोर्ट पर। मैंने फैशन डिज़ाइन का कोर्स किया है पर्ल एकेडमी से। मैं फैशन डिज़ाइनर हूँ। अब मैंने इनिशियली जॉब्स करी, जॉब में एक्सपीरियंस लेने के बाद मैंने आज अपना खुद का काम खोलने का डिसीजन लिया है। तो आज मेरा खुद का ही स्टूडियो है एंड इट इज़ बाय लेबल श्रेया आनंद। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे यहाँ बुलाया गया। हितेश सर सुपर मॉडल ने मुझे यहाँ बुलाया है एंड आई एम रियली ग्लैड कि मुझे अवार्ड मिला है। आगे मेरा यही स्कोप है कि मुझे नेशनल एंड इंटरनेशनल के लिए डिज़ाइनिंग करने का चांस मिल जाए। सर, मेरा नाम हितेश शर्मा है। मेरा नाम इंडिया के अंदर सुपर मॉडल एंड इंटरनेशनल मॉडल में आता है। साथ में मैं थिएटर आर्टिस्ट हूँ। 2 मूवीज़ में मैंने लीड विलन का रोल किया है और ब्लैक बेल्टर हूँ मैं कराटे के अंदर। ये मेरा स्मॉल इंट्रोडक्शन है। मैं ये बताना चाहूँगा आपको, ये सर्वाइवल डांस चैम्पियनशिप शाइनिंग स्टार अकेडमी की तरफ से जो हो रहा है, गौरव जी जो कोरियोग्राफर हैं और निकी मैम जिनकी अकेडमी है, ये दोनों स्लम के बच्चों के लिए ये चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज़ करना चाहते थे कि पैसे वाले बच्चे तो कहीं पे भी डांस सीख लेते हैं, कहीं भी कर लेते हैं, लेकिन उनके पास जिनके पास कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं है। तो मैंने सोचा यार, मॉडलिंग और एक्टिंग तो बहुत कर ली, अब उसके साथ अगर हम कोई सोशल कॉज का पार्ट बन पाएँ तो ये हमारे लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो इसलिए मैंने इनको ज्वाइन किया है। इसके अंदर ही मैंने एक प्ले डायरेक्ट किया है, वक्त की बेबसी, जो थिएट्रिकल प्ले है कैंसर के ऊपर। तो वो भी हम थोड़ी देर के अंदर यहाँ पे करने वाले हैं। तो मैं आपसे यही आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, अपने राजीव आहूजा सर का, अपने स्पेशल गेस्ट का मैं बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगा जो यहाँ पे आए, और जितने भी यहाँ पे दर्शक आए हैं उनका बहुत बहुत मैं थैंक्स करना चाहूँगा। थैंक्स। हाय, माय नेम इज़ प्रियंका ठाकुर। आई एम मिसेस इंडिया 2016 एंड आई एम अ मॉडल एंड एक्ट्रेस ऑल्सो। मैं ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है कि कैंसर पेशेंट्स के लिए इन्होंने रखा हुआ है। ये जो भी यहाँ से मीन्स आएगा, हाँ जी, वो वहाँ पे दिया जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है और आई विश ऑल द बेस्ट फॉर देम। बहुत अच्छी बात है एक्चुअली। जिनके पास जो वेल ऑफ हैं, जिनके पास बहुत सब कुछ है, वो इजीली कहीं भी जाके परफॉर्मेंस दे सकते हैं, कहीं पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट स्लम के बच्चे जिनको मौका ही नहीं मिलता, उनके लिए बहुत बड़ी बात है और ये बहुत अच्छा काम इन्होंने किया है जो इन बच्चों को मौका दिया है यहाँ पे। हेलो टू एवरीवन, माय नेम इज़ भावना झा एंड आई एम अ चाइल्ड आर्टिस्ट। आई हैव ऑलरेडी डन मेनी प्रोजेक्ट्स लाइक सीरियल्स, शॉर्ट फिल्म्स एंड माय अपकमिंग मूवी विल रिलीज ऑन 7th of February। द ट्रेलर इज़ ऑलरेडी आउट एंड अभी मैंने एक और मूवी साइन करी है जिसका शेड्यूल ऑन है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। यहाँ पे बहुत सारी अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस मैंने देखी बहुत लोगों की एंड अवार्ड लेके मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच सबको, आप सबने मुझे बहुत सपोर्ट करा उसके लिए। हमारे साथ इस समय डायरेक्टर हितेश वर्मा अवेलेबल हैं जो आज के प्ले के बारे में थोड़ा डिटेल में बताएंगे। ये प्ले वक्त की बेबसी हमने कैंसर के ऊपर बनाया है। तो इसको करने के पीछे हमारा यही पर्पस था कि कैंसर इतनी ज़्यादा जो खतरनाक बीमारी बढ़ चुकी है और कुछ डॉक्टर्स उसके अंदर लोगों के साथ बहुत हार्डशिप कर रहे हैं, तो हमारा ये मेन पर्पस है अवेयरनेस को लेके। तो इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे साथ इस टाइम हैं वसीम भाई जो जैकी श्रॉफ सर के पर्सनल स्टाइलिस्ट हैं और जिन्होंने बहुत बॉलीवुड स्टार्स का स्टाइल किया है। जो मेरी आप शेव देख रहे हैं, जो मेरा हेयर स्टाइल देख रहे हैं, इस प्ले के लिए और इंटरनेशनल मॉडलिंग के लिए, वो वसीम भाई की ही देन है। मैं मुंबई से जब भी आता हूँ
तो मैं वहाँ पे भी किसी से अपनी शेव को और बालों को टच नहीं कराता। तो ये जो रीसेंट लुक है ये भी इन्होंने मेरे को परसों ही दी है। तो अब कुछ चंद शब्द मैं चाहूँगा कि हमारे वसीम भाई आपके बीच में। जी सर, आई एम वसीम सलमानी, मॉडल टाउन दिल्ली। सर जैकी साहब बहुत नाइस आदमी है, बहुत ही गुड आदमी है, मैं उनकी बहुत तह दिल से इज्जत करता हूँ और बचपन से मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ। जी हितेश साहब बहुत नाइस आदमी है, बहुत ही इंटेलिजेंट इंसान है, मैं इनकी बहुत तारीफ़ करता हूँ। ये मेरे स्पेशलिस्ट मेरे मतलब कस्टमर हैं, मेरे पास काम कराने आते हैं स्पेशल, मैं इनका बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरे को इन्होंने मेरे को बताया ये आए मुंबई से, तो मेरी शॉप पर मतलब आए तो इन्होंने पूछा मुझे क्या शूट करेगा, तो मैंने इनको हेयर स्टाइल दिया है जी। तो ये शूट करा तो सब लोग उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा नाम शिवा कुमार है, मैं एक्टर हूं और आप सब लोगों की दुआओं और भी चाहिए। सर आप लोगों के आशीर्वाद से कई जगह सम्मान तो मिलता ही है, बट सम्मान मिलने के बाद आपके ऊपर एक जवाबदारी और बढ़ जाती है समाज के प्रति, यही है। तो एक जवाबदारी और होगी आज से। जो जो बच्चों ने मेहनत करी है वो तो सामने ही दिख रही थी, लाइक हर एक का एक अलग अलग ट्रेंड था, बड़े हार्ड वर्क किया हुआ उन्होंने। और जो ये कैंसर के ऊपर जो प्ले था इट वाज रियली वेरी गुड, इट्स वाज अ रियल गुड मैसेज फॉर एवरीवन के वही कैंसर से बचने के लिए। तो सबसे मेन चीज़ है कि सेफ नो टू प्लास्टिक और पेड़ उगाओ सर, ताकि एनवायरनमेंट और आगे की जनरेशन बच सके। मुझे लगता है आज के समय में बच्चों को आगे लाने के लिए, उनके टैलेंट्स को आगे लाने के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं बधाई देता हूँ शाइनिंग स्टार को कि गौरव ने एक प्रयास किया और बड़ा सफल प्रयास हुआ। उसके अलावा जो हितेश जी ने प्रयास किया, एक नया प्ले जो रखा उन्होंने अपना कैंसर के ऊपर, वो एक नया कंसेप्ट था। और हॉस्पिटल्स ने जो आजकल वो जाते करके बहुत पैसे लेते हैं, उसके ख़िलाफ़ एक मुहिम चलाई है। मैं गौरव जी को, हितेश जी को, निक्की जी को बधाई देता हूँ। और मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे क्षेत्र के हैं, मेरे क्षेत्र में रहते हैं झिलमिल कॉलोनी में, और ITO पे आके किया, ये खुशबू दूर तक फैलेगी। यही बच्चे जो आज डांस कर रहे हैं, नाटिका कर रहे हैं, सोलो कर रहे हैं, मुझे लगता है आने वाले समय में बहुत आगे जाएंगे। और जहाँ भी जाएंगे इनका नाम होगा तो हमारे क्षेत्र का भी नाम होगा, शाइनिंग स्टार का भी होगा। तो बहुत बहुत बधाई है उन बच्चों को जिन्होंने आज परफॉर्म किया और जिन्होंने कार्यक्रम किया। मेरा नाम डॉक्टर राजीव आहूजा है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ भारतीय मोदी आर्मी का। हमारा देश भारत जो है वो यहाँ पर तरह तरह के जो लोग हैं और देश के अंदर विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ हैं, और कैंसर जो है अभी कुछ वक्ताओं ने भी बताया कि कैंसर हर राज्य में हर शहर के अंदर बड़ी बुरी तरह से अपने पैर पसार रहा है। और यूँ तो हर शरीर के अंदर जो हमारे जो कुछ फोड़े ऐसे होते हैं जो साइलेंट फोड़े होते हैं, लेकिन वो कभी भी कैंसर में तब्दील हो जाते हैं, ऐसी हमें जानकारी बचपन से, हमने जब विज्ञान पढ़ा तो हमें ये जानकारी मिलती है कि कैंसर जो है वो किसी भी शरीर के अंदर हो सकता है। क्योंकि हमारे यहाँ खान पान जो है इस प्रकार का हो चुका है देश के अंदर, जो है नकली चीज़ें, अभी प्लास्टिक के ऊपर भी बोल रहे थे कुछ वक्ता कि प्लास्टिक को बैन करना चाहिए। तो प्लास्टिक और इस प्रकार का जो हमारे यहाँ जो पेस्टिसाइड्स जो है वो उसका बहुत ज़्यादा प्रयोग हो रहा है, तो वही वजह हैं जो कैंसर की वजह हैं। अभी देश के अंदर जो कोल्ड ड्रिंक्स का हमारे देश के बहुत सारे संत और जो बाबा हैं उन लोगों ने भी प्रचार और प्रसार किया कि हमें ये जो पेप्सी कोक और ऐसी ऐसे जो शीतल पेय हैं इनका इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए, लेकिन जो है उसके बावजूद भी हम इसको जो है इसको बंद नहीं कर पा रहे। तो ये भी एक कारण है जो शरीर के अंदर कैंसर पैदा करता है। धीरे धीरे पूरे दुनिया के अंदर जो है इन शीतल पेयों की जगह लोग जूसेस का और इस तरीके की पेय का जो है इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं। तो हमें भी जो है उनका अगर हम अनुसरण हर चीज़ में करता है हमारा देश, तो हमें भी जो है ये शीतल पेय जो जिस प्रकार के ये पेप्सी कोक है इनसे जो है परहेज करना चाहिए। जी मैं बड़ा प्रभावित हूँ, और कितना उच्च कोटि का कैंसर पर उन्होंने जो ये यहाँ पर जो लघु नाटिका पेश करी उसका मेरे पास शब्द नहीं, बहुत ही बढ़िया। दिल्ली के स्तर का, दिल्ली के अंदर हमने कार्यक्रम देखा, बहुत ही अच्छा और बहुत प्रेरणादायक, और बहुत ही हिंदू होते हुए सबने जो मुस्लिम किरदार निभाया मेरे पास शब्द नहीं, और बहुत ही अच्छे उर्दू का इस्तेमाल किया गया।
ज़्यादातर 99% उसके अंदर हिंदू थे जिन्होंने मुस्लिम किरदार निभाया, बहुत ही बढ़िया था। एक बच्ची जरूर उसमें मुस्लिम थी लेकिन बाकी सब ने बहुत ही अच्छे उसको और एक मैसेज दिया जो है कि किसी भी प्रकार से चाहे आपके पास संसाधन पूरे ना भी हों उसके बावजूद भी हम जो है अगर बीमारी से लड़ना चाहें और हमारे अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए किसी भी लड़ाई को लड़ने की, तो कोई वजह नहीं है कि हम उस पे जो है कामयाबी हमें ना मिले। और ये हमने देखा कि हितेश की जो मेहनत थी उसकी वजह से उन्हें कामयाबी मिली, उन्होंने एक प्रेरणा लेकर के इस जो है नाटक को का मंचन किया और बहुत ही बढ़िया जो है, मैं उनको उनकी सारी टीम को बधाई देता हूँ इस बढ़िया आयोजन के लिए। देखिए बेटियाँ जो हैं बेटियाँ ये इसकी शुरुआत मैं पानीपत से बिलोंग करता हूँ और पानीपत में ही हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उसकी शुरुआत की थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर। और बेटियों के बारे में मैं क्या कहूँ, बेटियाँ हमारा गौरव हैं। आज बेटियाँ जो है बेटे जो हैं वो हिस्से जायदाद के अंदर लेते हैं और बेटियाँ जो है माँ बाप का जो है दुख हरती हैं, उसका दुख को साझा करती हैं। आज हम देश हमारा देश सारा साल जो है इस प्रकार के आयोजन करता रहता है और हमारे यहाँ एक नवरात्रों का साल में 2 बार मौका आता है। नवरात्रों का जो अंतिम दिन होता है अष्टमी जिसे हम कहते हैं, उस दिन कन्या पूजन भी होता है और कन्या पूजन को लेकर के जब हम मोहल्लों के अंदर कन्याओं को ढूंढने के लिए जाते हैं तो हमें बड़ी मुश्किल से 2, 4, 5, 7 मैक्सिमम 7 लड़कियाँ बच्चियाँ मिलती हैं और उन्हें हम अपने घरों पर लाते हैं, उनके पाँव धोते हैं, उनको तिलक करते हैं, उनके हाथ पे कंगना बांधते हैं, सिर पर चुनरी रखते हैं, हाथ में पूड़ियों का और हलवे का और चने की सब्जी का प्रसाद जब रखकर उस पर दक्षिणा रख करके सारा परिवार झुक करके उसके सामने कन्या के सामने जब खड़ा हो जाता है, जब वो कन्या रुखसत होती है तो हम उसे बोलते हैं हमें आशीर्वाद दे करके जाओ और वो ज़ोर से थपकी दे करके जब हमें जाती है और उसी शाम को हमें जब पता चलता है कि हमारे परिवार के अंदर अपनी ही पुत्रवधू गर्भ से है तो हम उसका जो है चेकअप करवाते हैं हॉस्पिटल में ले जा कर के ताकि कहीं गलती से जो है लड़की तो नहीं हो रही हमारे यहाँ। तो ये कथनी और करनी में फ़र्क नहीं होना चाहिए, हमें जो है इस बात को जो है इस कलंक को जो है धोना चाहिए। बेटियाँ आज देश का गौरव बढ़ा रही हैं। हमारे जिस मैं पानीपत शहर से आता हूँ हमारी वहाँ की जिला उपायुक्त महिला है, हमारे वहाँ की कमिश्नर महिला है, हमारे वहाँ की MLA महिला है, हमारे वहाँ की मेयर भी महिला है। तो महिलाओं ने देश को बहुत गौरवान्वित किया है। मैं चाहता हूं कि सभी लोग इन बेटियों को समाज में ना सिर्फ जन्म देने के लिए भी इनको जन्म दें और इनको पढ़ाएं लिखाएं और देश का जो है गौरव बढ़ाएं। इसी के चलते मैं आपसे विदा लेती हूं, फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। देखते रहिए तब तक हमारे साथ न्यूज़ 81 एंटरटेनमेंट।